When you had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be... दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन नहीं आना चाहेगा? कुछ तो बिना कुछ किए भी आना चाहेंगे। दुनिया में सबसे कम समय में अपना रुतबा और अमीर बनने का सफर तय किया है इलोन मस्क ने। इलोन मस्क आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी है। तो कैसे बने इलोन मस्क दुनिया में इतने प्रभावशाली और सफल व्यक्ति? इलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इलोन मस्क के पिता एरोल मस्क इलेक्ट्रिक इंजीनियर और पायलट थे। इलोन मस्क की माता का नाम मई मस्क था और वो एक आहार विशेषज्ञ थी। इलोन ने अपने पिताजी के साथ रहते हुए अपनी शुरुआती पढ़ाई अफ्रीका में ही पूरी की। इलोन को कंप्यूटर विषय सबसे पसंदीदा था। उन्होंने किताबों की मदद से कंप्यूटर सी प्रोग्रामिंग करके एक गेम बनाया। इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्ट रखा। यह गेम उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को मात्र $500 में बेच दिया था। इसी से आप उनके बचपन से उनकी बुद्धिमानी के बारे में जान सकते हैं। इलोन मस्क बाद के वर्षों में कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और कनाडा की नागरिकता भी हासिल कर लेते हैं। वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स की बीए की डिग्री प्राप्त कर ली और वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स की डिग्री भी प्राप्त की। उन्होंने अपनी पढ़ाई को केवल पढ़ाई की तरह ही नहीं बल्कि उसे जीवन में उतारा भी था। 1995 में इलोन ने फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए अमेरिका की सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। इलोन जब अमेरिका आए तब वो इंटरनेट से रूबरू हुए और उन्होंने पीएचडी से 2 दिनों के बाद ही अपना एडमिशन वापस ले लिया और अपना पूरा ध्यान इंटरनेट की तरफ लगा दिया। यही उन्होंने अपने भाई के साथ एक कंपनी शुरू कर दी थी। उनके अमेरिका जाने से उनकी किस्मत और समय दोनों बदल गए। इलोन मस्क ने अपने भाई के साथ जो कंपनी शुरू की थी उसका नाम था जिप2। उसमें उनके शेयर 7% थे और यह एक न्यूज़पेपर की सिटी गाइड करने का काम करती थी। 1999 में यह कंपनी कॉम्पैक के पास चली गई और इलोन को उसमें अपनी हिस्सेदारी के अनुसार $22 मिलियन मिले। 1999 में उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी X.com शुरू की। तब किन्फिनिटी नाम की एक कंपनी का भी यही काम था और वह कंपनी भी X.com में मिल गई और X.com का नाम हो गया PayPal। उसके बाद इलोन मस्क और PayPal के बोर्ड सदस्य में अनबन के चलते उन्होंने PayPal को बेचने का मन बनाया। बाद में eBay ने PayPal को खरीद लिया जिससे इलोन को $165 मिलियन मिले। इलोन ने अपनी पिछली दो कंपनियों से मुनाफा कमा के रॉकेट्स में हाथ अजमाया। 2003 में रूस गए, वहां पर वह 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM रॉकेट लेना चाहते थे लेकिन एक रॉकेट ही $8 मिलियन का था। उन्होंने इरादा बदला और वापस आ गए और रॉकेट साइंस पढ़ने लगे और एक साल के बाद उन्होंने अपना खुद का रॉकेट तैयार किया। उसके बाद उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी का निर्माण कर डाला लेकिन उनका पहला, दूसरा और तीसरा प्रयास भी फेल रहा। उन्होंने एक बार फिर उन्हीं पार्ट्स और अन्य नए पार्ट्स की मदद से रॉकेट तैयार किया। इस बार उन्हें सफलता मिली और उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया और उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाया। आज इलोन मस्क की स्पेस एक्स के बनाए रॉकेट नासा भी उपयोग करती है और बहुत ही कम लागत में यानी विनिर्माण की मदद से रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाते हैं। टेस्ला इलेक्ट्रिकल वाहन बनाने वाली कंपनी है, इसका नाम इलोन मस्क के नाम के साथ आता है। 2004 में जब इलोन मस्क इस कंपनी में आए तो यह इलेक्ट्रिकल वाहन बनाती थी लेकिन उन पर कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी इसलिए कारें मार्केट में बिकती नहीं थी। इलोन के बाद इस कंपनी में उन्होंने बहुत ही सस्ती दरों में इलेक्ट्रिकल कारों का निर्माण करवाया और मार्केट में बहुत तेजी से ये कारें बिकने लगी जिससे टेस्ला आज इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरे विश्व में इनकी कारें जाती हैं और अब तो AI की मदद से ड्राइवर रहित कारें भी टेस्ला बना चुकी है। 2006 में इलोन ने अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में निवेश किया और कुछ ही कम समय में यह अमेरिका की दूसरी बड़ी सोलर कंपनी बन गई। 2013 में इस कंपनी को इलोन मस्क ने टेस्ला में विलय किया और आज सोलर सिटी और टेस्ला मिलकर नई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छी गाड़ियां बना रही हैं। फोर्ब्स की अप्रैल 2021 की लिस्ट के मुताबिक इलोन मस्क फिलहाल दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी कुल संपत्ति $151 बिलियन है। 2021 जनवरी में इलोन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए थे। इलोन मस्क ने 2000 में जस्टिन बिल्सोन से शादी की। इस शादी से उन्हें 5 बच्चे हुए लेकिन 2008 में जस्टिन और इलोन का तलाक हो गया था। उसके बाद उन्होंने 2010 में तालुला रियाल से शादी की लेकिन यह शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली और 2012
2012 में उनका तलाक हो गया। आपको हैरानी होगी कि 2013 में इलोन मस्क ने तीसरी शादी एक बार फिर से तालुला रियाल से की और उनका 2016 में फिर से तलाक हो गया। इलोन के कुल 7 बच्चे हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।